हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल में बीडीवी टेस्ट कैसे करते हैं। ये हम लोग के पास है ऑयल टेस्ट सेट है। इसका जो वोल्टेज रेंज है इनपुट, इसका देखिए, इसका वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है 230 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज है 100 केवी। तो ये मीटर है, क्या है, एनालॉग मीटर है, 0 to 100 केवी का एनालॉग मीटर है। तो ये ऑयल बीडीवी टेस्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये कंटेनर है, देखिए ये कंटेनर के अंदर हमको जिस ट्रांसफार्मर का ऑयल का बीडीवी टेस्ट करना पड़ेगा उस ट्रांसफार्मर का ऑयल यहाँ डालना पड़ेगा। और ये दोनों पोर्ट का जो गैप है ना, वो 2.5 mm रखा जाता है, वो स्टैंडर्ड mm होता है पावर ट्रांसफार्मर के लिए। और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए उसको हम 4 mm रख सकते हैं उसका गैप। तो अभी ये ऑयल उसमें भर के ये कंटेनर में ये डोर को लॉक बंद कर देंगे। उसके बाद ये है उसका पावर कॉर्ड, ये पावर कॉर्ड है। तो ये पावर कॉर्ड में हम एसी सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे। एसी सप्लाई देने के बाद अभी क्या करेंगे, ये देखिए टॉगल स्विच है, टॉगल स्विच में ये मेन ऑन लिखा है, तो ये टॉगल स्विच को मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद अभी क्या करेंगे, देखिए ये एचटी ऑन लिखा हुआ है, तो एचटी ऑन का जो पुश बटन है उसको मैं जब दबाऊंगा तो ये एचटी ऑन हो जाएगा। तो एचटी ये ऑन का एलईडी ग्लो करेगा। एचटी ऑन का एलईडी ग्लो करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाला टॉगल स्विच है उसको इंक्रीज की तरफ ऑन करूंगा। तो ये इंक्रीज की तरफ हो गया, फिर उसके बगल वाला जो बटन है उसमें लिखा हुआ प्रेस टू इंक्रीज, तो इसको प्रेस करेंगे तो वोल्टेज, इसको प्रेस करेंगे तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा, इसको प्रेस करके रखेंगे तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और जिस वोल्टेज में ऑयल का ब्रेकडाउन होगा उसको उस वोल्टेज में आ जाएगा ब्रेकडाउन ऑयल। तो इसको अभी क्या करेंगे, ये जो मेमोरी की जो लिखा हुआ है उसका पुश बटन दगा पे हम चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज पे मेरा ऑयल ब्रेकडाउन हुआ है। तो इसी तरह हम ट्रांसफार्मर ऑयल का ब्रेकडाउन बीडीवी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।